नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरंग कुशवाहा और आप देख रहे हैं सेवा टेक चैनल। तो दोस्तों 2025 आने वाला है, तो हमें अपना चैनल मोनेटाइज करना है। तो दोस्तों हमें किन किन गलतियों को सुधारना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। तो मैं एक एक करके आपको 10 गलतियाँ हैं और इनको अगर आपने सुधार लिया तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पहला पॉइंट आता है कि अपनी वीडियो बनाते समय आपका फेस होना चाहिए वीडियो में, तब तो वो चैनल मोनेटाइज होगा, वरना नहीं होगा। तो कोई भी हम वीडियो बनाते हैं या किसी भी वीडियो किसी की लेते हैं, तो उसमें अपना चेहरा जरूर इम्प्रूव करें ताकि आपके चैनल मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है अपना मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए वीडियो। वीडियो जो भी आप YouTube में अपलोड करते हैं तो आपको अपने ही मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसको एडिटिंग करना है, इसके बाद अपलोड करना है। दोस्तों अगर आप ये सब किसी और के फोन से या किसी और की वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं तो आपका चैनल रिस्क में हो सकता है। हो सकता है ये कभी मोनेटाइज हो जाए, लेकिन बाद में ये डिसेबल हो जाता है। तो दोस्तों इसका जरूर ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट आता है किसी दूसरे की वीडियो काट छाट करके अपने YouTube चैनल पर उपयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती है, जिससे आपका चैनल खतरे में पड़ सकता है। तो वीडियो अपनी ओरिजिनल ही डालें, किसी की वीडियो ना डालें। YouTube से बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो डाउनलोड कर ली, तो वही वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर ली, जिससे कि क्या है कि चैनल कभी जिंदगी में मोनेटाइज नहीं होगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों वीडियो खुद से बनाएं। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इनशॉट है, काइंड मास्टर है, वीएन है। इन सॉफ्टवेयर से अगर आप वीडियो अपनी खुद की बनाएंगे तो 110% वायरल होगी। आप किसी से वीडियो ना बनवाएं, ना ही किसी की वीडियो इस्तेमाल करें। इसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट आता है कि जो आप शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो इस्तेमाल करते हैं, अपलोड करते हैं, उसमें हमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देना है। अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे तो उसमें आपका कॉपीराइट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसमें आपका फेस नहीं है, या आपका फेस है लेकिन आप किसी और की वीडियो का गाना अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो ये जिससे दोस्तों आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। YouTube कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जिसका आप गाना इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी, वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। तो इससे बच के रहना है दोस्तों, हमेशा ओरिजिनल सॉन्ग ही लेना है, YouTube में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि एक ही वीडियो को बार बार अपलोड ना करें। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो अपलोड किया, उसमें व्यूज नहीं आ ज़्यादा आए, तो उसको जो है दोबारा अपलोड कर दिया, जिससे कि क्या है कि गलत मैसेज जाता है YouTube की तरफ और आपकी वीडियो को वायरल ही नहीं करता। तो दोस्तों ऐसा आप कतई ना करें, क्योंकि इसमें आपका चैनल मोनेटाइज होने में समस्या हो सकती है। अगला पॉइंट आता है कि खून खराबा की वीडियो यहाँ पे ना डालें, जो कि गलत वीडियो होती है। दोस्तों किसी का मर्डर हो जाता है, खून खराबा या और भी अन्य चीजें आप समझ सकते हैं, तो ऐसी वीडियो ना डालें ताकि हमारी जो ऑडियंस होती है उनको देखने में कोई दिक्कत हो। पहली बात तो YouTube इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये गाइडलाइंस के खिलाफ है, YouTube पॉलिसी के खिलाफ है। तो ऐसी गलती आप ना करें, आप अपनी ही वीडियो को अपने फेस दे करके वीडियो अपलोड करें, एडिटिंग करें, जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि बाइस टाइम लीगल तरीके से करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना वीडियो लोगों को शेयर कर देते हैं और जल्दी जल्दी बाइस टाइम पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि ये गलत है। यूट्यूब आपकी वीडियो को खुद भेजता है ऑडियंस के पास, जिससे कि वायरल होती है, वीडियो में व्यूज आते हैं। और दोस्तों अगर आप स्वयं ये काम करेंगे, व्हाट्सएप से भेजेंगे वीडियो को, तो लोग एक दो बार देखेंगे, बार बार नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आपका ठेका नहीं लिए हैं। तो दोस्तों हमें किसी भी वीडियो को आप हमें मतलब दूसरों को नहीं भेजना है, जिससे कि हमारे चैनल में मोनेटाइज होने में कोई दिक्कत हो। तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि 4000 घंटा का वॉच टाइम प्लस 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है चैनल का मोनेटाइज होने में। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, आप जो वीडियो बना रहे हैं उसको बनाइए। बस इतना मैं कहूँगा कि आप चार चीज़ें उस वीडियो में कर लीजिए। पहला होता है थंबनेल,
अगर आपने थंबनेल नहीं बनाना आता तो थंबनेल मुझसे सीख लीजिए, मैं कल इसकी वीडियो डालने वाला हूँ। तो दोस्तों थंबनेल अच्छा बनाइए ताकि आपकी वीडियो में लोग क्लिक कर सकें। और दूसरी बात आती है टाइटल, अगर टाइटल आप सही नहीं डालेंगे तो लोग आपकी वीडियो को सर्च कभी नहीं करेंगे। तो टाइटल ऐसा डालिए, जैसे कि मान लीजिए आपका कुकिंग का चैनल है और आपने पनीर की सब्जी बनाई है, वो उसमें लिखना पड़ेगा आपको। तो आपको टाइटल में क्या लिखना पड़ेगा, पनीर की सब्जी कैसे बनाएं। इसी चीज को हमें अंग्रेजी में भी लिखना है कि हाउ टू मेक पनीर सब्जी, मतलब इस तरीके से आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में टाइटल लिखेंगे। बाकी टाइटल में हैशटैग का उपयोग ना करें, क्योंकि हैशटैग का उपयोग टाइटल में कभी नहीं होता। तो दोस्तों थंबनेल हो गया, टाइटल हो गया, इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में वही लिखें जो आपने टाइटल में लिखा है, उसको जस्ट कॉपी करके नीचे लिख दीजिए। इसके बाद कैसे बनाए पनीर की सब्जी, एक कुछ क्या कहते हैं टैग्स होते हैं, उनको लगाना होता है एक लाइन से। तो आप डिस्क्रिप्शन में ये सब करें। इसके बाद में दोस्तों टैग लगाना ना भूलें, क्योंकि टैग से ही वीडियो वायरल होती है, लोग आपकी वीडियो को सर्च करते हैं। तो मैं टैग के विषय में भी एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ आपके लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।